शांति 6 जून 2023 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई है। यह पक्का करना है, बाप मिसल मीठा बनना है। दूसरा है, देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। आज का वरदान है, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहां ना कहां से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित महान आत्माएं हैं, उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो, तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। आज का स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। मुरली विस्तार से आज गीत बजा, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, अल्फ अर्थात बाप आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फार्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीव आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा, नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फार्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। दो चीज अलग अलग हैं, मैं और मेरा। मैं आत्मा, मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, बाकी यह सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी यह माँ यह बाप लगते हैं, आत्मा के संबंध में भाई भाई हैं। पहले तो यह समझाना चाहिए, गाया भी जाता है,
सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंद। यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फार्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर। वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था, गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन, सतयुग था अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है, तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। यह सब शरीर के धर्म है, आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाट बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं, हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां से आए हैं पाठ बजाने। अब भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, तो पहले पहले यह समझाना है आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप यह निराकार परमपिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं, भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं, पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना, बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। उच्चते उच्च बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमपिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पाठधारी हैं, कोई का भी पाठ बदल नहीं सकता, तो पाठ बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है, है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को ना जानने के कारण ऑर्फन बने पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं।
दुनिया को यह पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रलब्ध मिलती है, भारत स्वर्ग बन जाता है, नरक बनाने वाली है माया अर्थात रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे, वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे, रिपीट कैसे होती है। दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा, अतीत पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। अतीत कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो, बाप माना बाप, बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो, याद का ही बल है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को भूल, मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्ति, कलयुग है जीवन बंध, 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहाँ यह होता नहीं, बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है, तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं, बाकी सब धर्म तो बाय प्लॉट्स हैं। यह भारत ओल्ड है, नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे, बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत, जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्म कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से, पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ, ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है ना, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र माला। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है, यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नरसिंह नारायण राजाओं के राजा बनाता हूँ, यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनाना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता है, अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है, अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है, फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो। पतित पावन, परमात्मा तो एक ही है, तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो, परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा तो सबकी एक जैसी है, कहां आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, बाकी ऐसे नहीं, आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है, इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर है, माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामा अनुसार, अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को मात पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा फादर है तो साथ में मदद भी होनी चाहिए, इव कहते हैं, परंतु वह कौन है, इव किसको कहा जाए, मम्मा को इव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है, इव इनको अर्थात ब्रह्मा ही कहेंगे,
क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे तब तो तुम मात पिता सिद्ध हो। एक को ही मात पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ करे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बनाकर आए हो? लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो। बाप मिसल मीठे बनो, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद, अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है, परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो, मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तुम मात पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फार्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है, यह यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे, परमात्मा तो है ज्ञान सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।